नारायण 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 नारायण। जीव भाव है अहम, मैं हूं, ये अहम है ना। बिंब से आप नहीं, ये देखो बिंबवाद अवच्छेदवाद ये वेदांत की प्रक्रिया में है। एक एक दर्शन की प्रक्रिया होती है, वो दर्शनों की प्रकृतियां भिन्न भिन्न होती है, दार्शनिक प्रक्रिया है। तो अद्वैत सिद्धांत की प्रक्रिया में जीव के स्वरूप में अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद दो माना है। चैतन्यम यधिष्ठानम लिंग देहस्त या पुनः छाया लिंग देहस्त तत्संगो जीव उच्यते। ये वेदांत की प्रक्रिया में जीव का स्वरूप बताया क्या है कि चैतन्यम अधिष्ठान, तो अधिष्ठान चेतन सब जगह परिपूर्ण है। चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहस्त या पुनः, जो लिंग देह सूक्ष्म शरीर, उस शरीर सामान्य चेतन और सूक्ष्म शरीर, शरीर तो है स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर है, तो क्यों कर रहे बोले शरीर है। उस लिंग देह स्थित छाया मुझे चैतन्य उसका प्रतिबिंब पड़ता है लिंग देह में, तो चैतन्य सामान्य और लिंग देह और लिंग देह में चित छाया इस संघ का समुदाय का नाम जीव है। ये वेदांत की प्रक्रिया में जीव का स्वरूप बताया। तो ये है प्रतिबिंबवाद, एक अवच्छेदवाद है। अवच्छेदवाद में चित छाया नहीं माना है, चैतन्य अधिष्ठान है, लिंग देह है, उस लिंग देह अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसका नाम जीव है। ये अवच्छेदवाद है, मानो अवच्छेदवाद है। जैसे सब जगह एक आकाश है और एक घटाकाश है, तो घड़े में जो आकाश है उस आकाश को जीव कहते हैं। सब जगह चैतन्य परमात्मा है, उसकी अपेक्षा लिंग देह में जो चैतन्य है उस चैतन्य को ही जीव कहते हैं। अंश अंशी भाव, ये अंश अंशी भाव है, ये है अवच्छेदवाद। और पहले मैंने कहा वो प्रतिबिंबवाद, ये दो बाद वेदांत के अद्वैत सिद्धांत की प्रक्रिया में आता। और मैंने कहा जीव, वो प्रक्रिया से नहीं कहा, गीता के अनुसार कहा। मानो जीव किसका नाम है, जो मैं हूं इसका नाम है जीव। परमात्मा क्या है इसमें बड़ा मतभेद, जीव क्या है इसमें बड़ा मतभेद, प्रकृति क्या है इसमें बड़ा मतभेद। हमारी तो सीधी बात है कि ईश्वर जो सबका नियंता है ईश्वर, और संसार काल सब प्रकृति, और मैं हूं ये जीव। अब तीनों को ये मान रखा सीधी सारी सरोवर, कुछ झंझट नहीं। तो मैं हूं ये हुआ जीव। अब मैं हूं दो बात हुई, मैं रहूं दो अक्षर हुए, एक मैं अक्षर हुआ एक हूं अक्षर हुआ। तो मैं अक्षर है वो है प्रकृति का भाषक, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि रभ्यमेव च इंद्रियाणि दशैकेन्द्र पंच इंद्रिय गोचरा, ये वह क्षेत्र। तो क्षेत्र में जो अहंकार है और अपरा प्रकृति है वो भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिस्तथा अपरा यम। तो ये अपरा प्रकृति हुआ अहम,
और आगे ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो सनातन मेरा अंश हुआ। तो भगवान का अंश वो तो हुआ अहम, अहम का अहम भाव में हूं, हूं भाव हुआ, मानो सत्ता और अहम ये हुआ प्रकृति। तो प्रकृति का अंश अहम और परमात्मा अंश हूं है अपना, वो मिलकर के जीव है। तो ये प्रकृति का है और ये परमात्मा का है, दोनों को सौंप दो, जयराम जी की जीव है ही नहीं, परमात्मा ही है। ये बात खास, प्रकृति प्रकृति को दे दिया और हूं को है वो दे दिया, तो है रह गया, हूं नहीं रहा। हूं तो अहम हो गए, तुम हूं हो गए, नहीं तो है, बस है परमात्मा तुझ। अहम कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय, भगवान कहते ये अपरा प्रकृति है और अपरायम इतस्तुन्याम प्रकृति विद्य में परा क्या जीव भूता जीव रूप बनी हुई, ये अपरा प्रकृति और अहम कृष्ण से जगत प्रभाव, मैं सबका प्रभाव और प्रलय हूँ। तो भगवान रहे तो भगवान का अंश हुआ हूँ और अहम अंश हुआ प्रकृति का, दोनों मिला हुआ जीव, प्रकृति को प्रकृति दे दिया, जीव को परमात्मा को दे दिया। जय राम जी, जीव है ही नहीं, परमात्मा ही रह गए। ये बात है, पूर्णता हो जाएगी। इस बात से प्रकृति के ज्यादा पड़ा नहीं है, प्रकृति में बड़ा मतभेद, संसार के मानने में बड़ा मतभेद, जीव के मानने में बड़ा मतभेद, कोई अणु कोई परमाणु कोई मध्य परमाणु कोई महत परमाणु, इस माने बहुत मान है जीव के भी। ऐसे प्रकृति के विषय में अनादि है अनंत है अनादि है शांत है बहुत भेद, संसार के विषय में बहुत भेद, ब्रह्म की परमात्मा सगुण है निर्गुण है साकार है बड़ा मतभेद, अपने सीधे मालिक है उसका नाम प्रभु और जो उसका अर्थ है उसका नाम जी, और ये नाम प्रकृति प्रकृति परमात्मा की अपरा प्रकृति दिए, परा प्रकृति दिए स्वयं भगवान, अपरा प्रकृति अपनी नहीं है और परमात्मा अपने काम बन गया। चाहे द्वैत भाव से लिखो चाहे अद्वैत भाव से, भगवान के साथ एक तरह कर लिया, द्वैत भाव है तो भी ठीक है, अद्वैत भाव तो भी ठीक है, अपना है वैसे कर दो। वास्तव में ना अद्वैत रहेगा ना अद्वैत रहेगा, तत्व है जो हो जाएगा, ये परिणाम होगा। की बात मौज हुई, इतनी बात रमेश वाली बात नहीं, एक परमात्मा तत्व है, मस्त रहो उसमें, वो परमात्मा मेरे है, मेरा है। कैसे मेरे है, जैसे बच्चा कहता है माँ मेरी है माँ मेरी है, ऐसे मेरे हैं भगवान, मैं भगवान का हूँ। अरे भगवान का स्वरूप क्या है, तेरा स्वरूप क्या है, बच्चों को पूछे कि माँ का क्या स्वरूप, बेटा का क्या स्वरूप, के स्वरूप नहीं मेरी मेरी माँ मेरी है बस, मेरी है माँ, मैं माँ का हूँ, ऐसे मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, झंझट करे ही नहीं। द्वैत रूप समझो, अद्वैत स्वरूप समझा तो भगवान का स्वरूप हो गए, मेरे स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप मैं हूँ, अद्वैत रूप हो गया। इसमें जो मर्जी आप शुरू कर लो, अंत में परिणाम एक होगा, वो बसना में नहीं आएगा, कहने में नहीं आएगा, वो स्वतः हो जाएगा। अब से आप ये बात है, मैं सीधी सारी मैं भगवान का हूँ, ये बहनार भाई सीधे सरल सुन, मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान का हूँ, कौन हो तुम, कैसे 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 ही हो जो भगवान का हूँ, तो भगवान कैसे ही हो, मेरे हैं, सगुण है तो मेरे हैं, निर्गुण है तो मेरे हैं, साकार है तो मेरे हैं, निराकार है तो मेरे हैं, अनिर्वचनीय है तो मेरे हैं, सदस्य वृक्ष तो मेरे हैं, मेरे है और मेरा नहीं है कोई, प्रकृति है संसार है मेरे, तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इतनी बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई।
मेरा कोई और नहीं, मैं और किसी का नहीं। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। इतनी बात क्यों झंझट में पढ़ो? अवच्छेदवाद है, गाभासवाद है, मध्यम परमाणु है, एक परमाणुवाद है, एक महत्व परमाणुवाद है, एक परिमाण क्या है? परिमाण में कुछ नहीं, मैं हूं और ईश्वर मालिक है और रोशन सारे प्रकृति का। ये मेरा नहीं है, परमात्मा मेरा है। जो देखने में, सुनने में, समझने में आता है वो मेरा नहीं है, और जो सुना हुआ है शास्त्रों से संतों वो मेरा है। और मैं हूं कैसा है, तुम कैसे ही हो, जैसा हो जैसे भगवान का हूं, यार भगवान जैसे वैसे मेरे हैं। सगुण हो चाहे निर्गुण हो, चाहे साकार हो निर्कार हो, दो बुद्धि हो चाहे सहज बुद्धि हो, चाहे सहज बुद्धि हो, मेरा है। और कैसा हूं बताओ, क्या माँ मेरी है, कैसी हो मेरी माँ है, माँ है मेरी माँ कैसी कैसी कैसे माँ जाने, माँ का मकाम जाने, मेरी माँ है बस, ऐसे मेरे भगवान है। सीधी बात है, सरल बात है, हरेक मान लो। और मानने में इतनी विलक्षण बात है कि भगवान को अपना मान लेता है ना, उसको संभालना, काम करना भगवान पर जिम्मेवारी आ जाती है। बालक माँ का है, वह माँ पालन करना माँ की जिम्मेवारी आई, अपने जिम्मेवारी छूटी। ऐसे अपनी जिम्मेवारी सब भगवान पर आ गई, अब तो भगवान के है, मौज करो। तुम्हारे क्या था, मोह मन सदानंद, चिंता दीन दयाल कुर मोह मन सदानंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को चिंता करो तो भगवान करो, हम क्यों चिंता करें। अब आनंद आनंद हमारे पहुंची है, चिंता चिंता भगवान की पहुंची है। बस गीता ने कहा मां सुच माम एकम शरणम ब्रजा अहं त्वा सर्व पावन मोक्षयिष्यामि। मां सुच शोक मत कर, दो बार का एक सोलह अध्याय में कहा मां सुच संपदम देव में जा तो पढ़ लो, एक कहा सर्व पावन मोक्ष मां सुच तुम शोक मत कर। तो अपन शोक क्यों करें, भगवान का शोक मत करेंगे, अर्थ क्या हुआ, शोक भगवान करेंगे, चिंता भगवान करेंगे। एक ब्राह्मण के कन्या बड़ी हो गई, एक सज्जन धनी आदमी रहे उनके पास गए, तो बोलो पंडित जी क्या बात है, क्या क्या कन्यादान करना है। सेठ कन्यादान करना है, कहते चिंता क्यों करो पंडित जी, आप काम करो। तो अब भर ढूंढना है, लाना है, सगाई करना है, काम करना है, ये तो पंडित जी करे। फिर चिंता पंडित जी की नहीं, खर्चा सेठ लगाएगा, परंतु काम करना है। ऐसे ही खर्चा लगाएंगे भगवान, हम तो काम करेंगे, डोलेंगे इधर उधर, और हमारे कुछ करना ही नहीं। चिंता दीन दयाल, चिंता सब भगवान, तुम्हारी क्या मोहन सदानंद आनंद हमारे पास ही, चिंता भगवान के पास थी। अस्त्र हो गया हमारा, हमारा आपस में संधि हो गई, चिंता चिंता भगवान को दे दी, आनंद आनंद हमारे पास आ गया। बस तुम क्या होगा कैसे होगा, तू जरा तेरा काम जरा, हम क्यों पंचायती करेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सही अपने चिंता ही नहीं। ये बात बड़ी सीधी है, सरल बात है, भक्ति की बात है। ऐसे अगर मौज में जाओ, मस्त हो जाओ, बस अबर आनंद है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, ये क्या है, ये मीरा भाई है, मीरा भाई का स्वरूप है ये। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई भाई माने चाहे बहन माने, मीरा भाई है वो, मीरा भाई हो गई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा दूसरा कोई मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल है। मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा। अब बोलो क्या शंका रही, शंका रही अपने भगवान है, मौज करो अपने, आनंद करो अपने, मोह मन सदा आनंद, अपने तो आनंद पहुंची आया है, चिंता भगवान के पहुंची गई, दोषा हो गया हमारा, चिंता चिंता करो भगवान। तो भगवान कहते तू मां सोते शोक मत कर, इसका अर्थ क्या, शोक मैं करूंगा, तू क्यों करता है, सब मैं करूंगा। अच्छा महाराज आपको, आपको सो गया चिंता, आप लोग अपने घर वाले हो गए।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 बोल जय हो हरे कृष्ण हरे राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 नवंबर 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम।